उसको आपको पाठ का सार जब आप कर रहे हैं तो उसको अलग अलग बिंदुओं में दर्शाएंगे। पहला है लेखिका की नानी का व्यक्तित्व, दूसरा बिंदु भाई पहले उन्होंने किसका वर्णन किया है, लेखिका की नानी का ही वर्णन किया है, दूसरा है लेखिका की माँ का वैवाहिक जीवन, भाई उनके विवाह का जीवन कैसा रहा घर में उनका। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसमें लेखिका की दादी का परदादी का स्वभाव, तीसरा वो ही आया है मैंने बताया था आपको। चौथा है चोर का रोचक किस्सा, पांचवा है आजादी के जश्न में न जाना, लेखिका बीमार हो गई थी ना तो वो आजादी के जश्न में नहीं जा पाई थी। कि भाई और बहनें भाई कैसे, उनका एक भाई था और ये कितनी बहनें थी, पांच बहनें थी जिसमें से दो बहनों को छोड़कर बाकी तीन बहनें और चौथा भाई राजीव है वह भी लेखन के हवाले हो गया था। उसके बाद है लेखिका के सामाजिक कार्य, भाई लेखिका जब कर्नाटक चली गई थी बागलकोट में तो कैसे उन्होंने वो क्रिश्चियन स्कूल खोलने की एक सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बताओ कि अगले 100 सालों तक ये स्कूल चलता रहेगा, तो इस तरह से स्कूल नहीं खुल पाया था, लेकिन उन्होंने अपने दम पर एक स्कूल खोला जिसमें से दाखिला लेने वाले बच्चे आगे जाकर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर पाए थे। तो ये आ जाएगा लास्ट वाला लेखिका के सामाजिक कार्य। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इन 7 से 8 बिंदुओं के बीच में पूरे पाठ है उसको डिवाइड कर लेंगे। इस तरह पाठ को अलग अलग भागों में विभाजित करने से, अलग अलग करने से पाठ का सार भी अच्छे से समझ में आता है। जब आप पाठ पढ़ते हैं तो इन बिंदुओं को देख लें कि तो ये एक वो हो जाएगा रिवाइज करते टाइम कि पाठ में किन किन बिंदुओं को देखा गया है। यही पाठ है, अगली जो वीडियो होगी उसमें पाठ के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, शब्दार्थ आपको भेज दिए जाएंगे। पहले पाठ को अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद पाठ को इस तरह पाठ को अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर लेना, बांट लेना, ताकि पाठ को पढ़ते टाइम रिवाइज करते टाइम आसानी रहे। थैंक यू।